हाय, दिस इज अभिजीत फ्रॉम रोबोटेज सिलीगुड़ी। हम लोग आज आए फिर से एक नया प्रोजेक्ट लेके, जो है ऑब्स्टिकल अवॉइडर। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया था और बहुत सारा अच्छा रिस्पांस मिला, तो हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाए। ये हमारा बॉट जिसका नाम है ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बॉट। इसके लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को चाहिए और रोबोटिक्स आइटम, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्ट्रासोनिक सेंसर, वन आर्डिनो यूनो, वन ब्रेडबोर्ड, वन मोटर शील्ड, टू व्हील्स, चेसिस और कुछ जम्पर वायर्स। पिछले प्रोजेक्ट में हम लोग का चेसिस दूसरा था, तो इस बार हम लोगों ने एज पर स्टूडेंट डिमांड हम लोगों ने इसमें नया चेसी लगाए, जिसका है ये टोटली मेटल चेसी है, जो बहुत ही अच्छा चेसिस है। और इसका जो व्हील है कैस्टर बॉल, ये भी बहुत अच्छा है पहले से। कोई भी प्रोजेक्ट के लिए इसका लुक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये चेसिस इस बार हम लोगों ने अप्लाई किया। आफ्टर दैट चलिए इसका कनेक्शन देखते हैं, कैसे हम लोगों ने कनेक्ट किया। ये जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है, इसका टोटल 4 पिन्स है। यहाँ पे हम लोग देखिए, टोटल 4 पिन्स है, VCC, ट्रिगर, इको एंड GND। इसे कैसे काम करते हैं, ये जो ट्रिगर पिन है, ये एक रेगुलर इंटरवल में शॉर्ट एंड हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को रिलीज करता है। देन कोई भी ऑब्स्टिकल इसके सामने आ जाने से वो वेवलेंथ वेव जो है वो रिटर्न बैक होके ये जो इको है ये रिसीव करता है। ऐसे ये डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये आर्डिनो को आर्डिनो के पास भेजता है। आर्डिनो देन रिएक्ट करते हैं हम लोग के अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रोग्राम है। तो कनेक्शन पहले देख लेते हैं। कनेक्शन के लिए फिर से हमारे पास दो मोटर है, तो इसके लिए 4 पिन चाहिए। तो हम लोगों ने ये 4 पिन डिसाइड किया, 4, 5, 6, 7 एंड 2 पिन है, एक है ट्रिगर के लिए 8 नंबर पिन और 9 नंबर पिन है इको के लिए। और देन ब्रेडबोर्ड यूज किया क्योंकि सबके लिए GND एंड VCC मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चाहिए, तो इसीलिए हम लोगों ने ब्रेडबोर्ड यूज किया। तो चलते प्रोग्राम की तरफ, कैसे हम लोग इसको प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम के लिए देखिए, हम लोगों ने पिछली तरह पहले हम लोगों ने यहाँ पे 4 मोटर के लिए पिन डिसाइड किया, इको एंड आपका ट्रिगर के लिए अलग से पिन डिक्लेयर किया। देन हम लोगों ने क्या लिखा, डिस्टेंस 30 अगर होगा तो ये फॉरवर्ड जाएगा, 30 से कम सॉरी, एंड अगर 30 से ज़्यादा हो जाता है तो ये पहले टर्न होगा, उसके बाद फिर से राइटवर्ड होके देन फॉरवर्ड जाएगा। चलिए इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करके पहले हम लोग टूल्स में जाएंगे, फिर पोर्ट में जाके जो हमारा आर्डिनो पोर्ट है उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। आफ्टर दैट ये देखिए, हम लोग यहाँ पे लिखे हैं डन अपलोडिंग। अपलोडिंग होने के बाद हम लोग चलते देखते हैं इसका वर्किंग। चलिए अभी देखते हैं इसका वर्किंग कैसे ये वर्क करता है। तो इसका जो 12 वोल्ट एडाप्टर है, उसमें जो पावर हम लोग ये जो बोर्ड पर दे दिया आर्डिनो बोर्ड में, इसका स्टार्ट हो गया देखिए वर्किंग। और इसके सराउंडिंग कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, देखिए ये पहले स्टॉप हो गया, देन राइट होगा एंड देन फिर से चलेगा। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा बॉट है जो चलने लगा है, और इसके कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो पहले ये स्टॉप हो जाएगा, फिर राइट वर्ड एंड फिर स्टेट।